अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर थर्ड बिजनेस स्टडी के चैप्टर थर्ड में नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग डायमेंशन में देखेंगे, इसमें दो पॉइंट आता है, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है किसको, बिजनेस को। जनरल एनवायरनमेंट indirectly influences the business, like social, political, investors, legal and technologies. अब कहेंगे कि social कैसे business को affect करेगा? किसी किसी community में, किसी किसी society में कोई trend होता है, किसी product को लेकर या किसी company को लेकर या किसी community को लेकर, तो socially effect करेगा उसके product पर। political, अगर किसी पार्टी की सरकार है, और आप लोग सभी जानते होंगे कि एक एक इंसिडेंट है और एक एग्जांपल भी है बाबा रामदेव का, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बाबा रामदेव के ऊपर बहुत ज्यादा ही क्रश किया गया था, क्योंकि बाबा रामदेव का सपोर्ट बीजेपी की पार्टी की तरफ था। जब बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को या बाबा रामदेव की कंपनी को इसका फायदा मिला। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर तो सभी लोग समझ रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके माध्यम उसके माध्यम से इन्फ्लुएंस होता है। लीगल, अगर कोई भी कंपनी अभी कहीं स्टेबल है और कोई अचानक से कोई लीगल चेंज लिया जाता है या कोई लॉ बना लिया जाता है तो उससे भी कंपनी में इफेक्ट होगा। टेक्नोलॉजीज, ये तो समझ ही रहे हैं कि अगर समय के साथ साथ टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेज आते हैं, पहले एंड्रॉयड सेट नहीं था, एंड्रॉयड सेट आ गया, पहले छोटी मशीन होती थी, बड़ी बड़ी मशीनें हो रही हैं, आ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा है, जो कि जनरल एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करता है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, बिजनेस के एनवायरनमेंट को। तो इसमें पहला पॉइंट है कस्टमर्स। कोई भी कस्टमर है तो किसी कंपनी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा है ऑनर्स, अगर कंपनी के ऑनर हैं, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, कोई पॉलिसी चेंज लाया, कोई प्लान में चेंज लाया, तो वो भी कंपनी के वातावरण को, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। इन्वेस्टर्स, यहां भी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर दोनों जगह क्यों है, कभी कभी इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी के खुद के ही लोग इन्वेस्टर होते हैं, और कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर एक इन्वेस्टर कोई कंपनी है जो कुछ ही इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंट है और कुछ कंपनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो इसका डिफरेंस सीधा सीधा देखा जा सकता है। सप्लायर्स, जो कंपनी के सप्लायर्स हैं, अगर वो कंपनी में अपना रॉ मटेरियल या जो भी एसेंशियल गुड्स है, एलिमेंट्स है, अगर वो सप्लाई नहीं देते हैं तो भी कंपनी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। कस्टमर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कॉम्पिटिटर्स, ये भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, अगर कोई एक कंपनी है पेप्सोडेंट और कॉलगेट, हम लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं, अगर पेप्सोडेंट का कोई चेंज आता है तो कॉलगेट को भी कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब सैमसंग और नोकिया के एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं कि नोकिया ने चेंज लाया नहीं लाया, सैमसंग ने चेंज लाया, सैमसंग ने चेंज लाया तो सैमसंग सर्वाइव कर रहा है। अगर उसी समय नोकिया भी कुछ चेंज ला के मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ट्राई करता तो आज मार्केट में उसका भी अपना एक शेयर होता। मगर आज क्या है कि नोकिया और सैमसंग के एग्जांपल से, कंपटीटर के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। आज हम लोग डायमेंशन को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एलिमेंट पे कवर करेंगे।